हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम देखेंगे पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपका यूपी टेट 2019 के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये आपका हिंदी में होगा। इस सीरीज़ का जो है ये आपका पाँचवा लेक्चर है। तो प्लीज़ आप जो है फर्स्ट लेक्चर से ज़रूर देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे आए, तो आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा, आवाक्रमकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आवारमकता, इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, कुंठा इसे कहते हैं। यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में कोई बाधा आती है तो इसे हम कहते हैं कुंठा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसके डिटेल्स है कि कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, वातावरण, हार्मोन, समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आनुवांशिकता जो है आँख के रंग को जो है आनुवांशिकता कारक प्रभावित करता है। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो आनुवांशिकता आँख के रंग को आनुवांशिकरण कारण जो है प्रकाशित करते हैं। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अवधान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, बुद्धि जो है आधार आयु के मापन से संबंधित है, बुद्धि। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो बुद्धि यानी कि आधार वायु व वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धिलब्धि की जाती ज्ञात की जाती है और इसका सूत्र है बुद्धिलब्धि आधार आयु सौ वास्तविक आयु। इसे विलियम स्टर्न ने 1912 में जो है इसका फॉर्मूला दिया था। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? यानी कि शिक्षक यदि किसी बच्चे को डांट दे और वो बच्चा जो है अपनी छोटी बहन पर गुस्सा आकर घर पे निकाले तो उसे हम क्या कहते हैं? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर, प्रतिक्रिया, निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, विस्थापन की क्रिया कहलाती है। अब इसकी रिडल से आपके सामने कि विस्थापन यानी कि इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? निम्न में से कौन जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलो, थानडाइक और कोहलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, कोहलर जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो डिटेल्स है कि कोहलर जो है कोहलर एवं कोफका सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईरोस शब्द संबंधित है, ईरोस शब्द संबंधित है मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है, जीवन मूल प्रवृत्ति से जो है ईरोस संबंधित है, यानी ईरोस किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। अब इसकी रिडल्स की बात करते हैं तो प्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को ईरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। ईरोस यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति को ईरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को जो है थैनाटोस कहा जाता है। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है, वास्तविकता का सिद्धांत, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा और सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अहम जो है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। अब इसके डिटेल्स आपके सामने है कि अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है और भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, भूख कम हो जाती है, कालेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की यदि सीरीज दे दी जाए, सुई लगा दी जाए, तो इसमें जो है भूख कम हो जाती है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन सही था। तो कालेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसे प्राणी में भूख क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 12 वर्ष। यानी बुद्धि परीक्षण में एक 16 इयर्स का एक लड़का है जो 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु जो है उसकी क्या होगी, 12 वर्ष होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब इसके रिडल्स है कि 12 वर्ष इसका राइट आंसर होगा और सामान्य बुद्धि जो है कितना होता है, 80 से 100 होता है सामान्य बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब इसकी डिटेल्स है कि मस्तिष्क तथा मेरुदंड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति एक है, यानी कि मनोग्रस्ति बाध्यता जो है किसकी एक जो है विकृति है, किसका एक कारण है, तो समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदित विकृति है, चिंता विकृति है या काय प्ररूप विकृति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, चिंता की विकृति है, चिंता की बीमारी है, मनोग्रसित बाध्यता। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बराबर किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है और रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह एक चिंता की क्या है, विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा, पाल वोल के द्वारा, पावलो के द्वारा, प्रायड के द्वारा और युंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, युंग के द्वारा जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो युग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है, युग यानी कि युंग ने जो है अचेतना को 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं ताकि और भी चीज़ें जो है इसमें इंक्रीज़ की जा सके। और तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। और एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।